जुले और नमस्कार दोस्तों, आज हमारे अनशन को एक हफ्ता हुआ। कल मेरी सेहत खराब हुई थी, आज मैं बेहतर हूँ। डॉक्टर के अलावा संत गोपाल जी हमारा आयुर्वेदिक उपचार कर रहे हैं, गर्म पानी के सेक से, लेपन से, तो मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और आज एक बहुत ही शुभ दिन है, आज दशहरा है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को इस पर्व की बधाई तक नहीं दे सकता, क्योंकि अगर हम वास्तविकता को देखें और सर उठाकर देश की हालत देखें तो सत्य के विजय होते नहीं दिख रहा है। मैं लद्दाख की बात आपको बताऊं, 2019 के चुनाव और फिर 20 के चुनाव में लद्दाख के साथ एक वचन दिया गया था कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित किया जाएगा। और ये वचन देखे जा सकते हैं जनजातीय मंत्रालय के मिनट्स में और यहाँ इस घोषणा पत्रों में 2019 के संसदीय चुनाव के और 2020 के। साफ साफ कहा है और पहले तीन बिंदुओं में कहा है कि हम लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करेंगे। मगर इसके बावजूद आज हम यहाँ अनशन पर हैं। दशहरा हमें याद दिलाता है भगवान श्री राम के आदर्शों का, और उनके आदर्श थे रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन का वो इतना महत्व देते थे कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए। मगर आज प्राण हमारे जा रहे हैं और वचन देने वालों के नहीं, तो ये विडंबना है आज देश में। अगले 3-4 हफ्तों में शायद प्राण हमारे सच में ही चले जाएं, मगर आज दशहरे के अवसर पर आप लोगों को निर्णय करना है कि आप सत्य के साथ खड़े होंगे या असत्य के साथ। बहुत लोगों ने पूछा हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, समर्थन कैसे कर सकते हैं। हम फिर यही कह रहे हैं कि आप अपने अपने जगह, अपने अपने शहरों में कल एकादशी के दिन एक दिन का उपवास रखें सुबह से शाम तक, और हो सके तो अपने शहर में एक छोटी सी पदयात्रा करें, जैसे हमने लेह से दिल्ली तक की, लोगों को जागृत करने में, पर्यावरण के बारे में, हिमालय के बारे में। अगर आप आसपास में दिल्ली में रहते हों तो हमारे साथ उपवास कर सकते हैं यहाँ चाणक्यपुरी में, लद्दाख भवन के बाहर के पार्क में। आखिर में ये बताऊं कि आज भी रोज़ की तरह बहुत से लोग यहाँ पर हमसे मिलने आए, कुछ बहुत भावुक हो रहे थे कि हमारे साथ और देश के साथ क्या हो रहा है। आज बस इतना ही। आप सभी को दशहरे के अवसर पर सत्य के साथ चलने की ताकत दे भगवान। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जुले और जय हिंद।